हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने कॉलेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार कोडिंग राउंड्स और कोडिंग इंटरव्यूज में आ जाता है। सो क्वेश्चन है हमारा 01 नैपसैक। सो प्रॉब्लम ये है कि गिवन एन एरे ऑफ आइटम्स विद देयर वेट एंड वैल्यू एंड अ नैपसैक बेसिकली बोरी विद कैपेसिटी डब्ल्यू, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम्स दैट कैन बी स्टोलन एंड पुट इन टू नैपसैक। तो हमारा काम क्या करना है हमें कि कुछ आइटम्स मेरे को चूज करनी है और आइटम्स ऐसे चूज करनी है कि जो मेरा वेट हो टोटल वो मेरी बोरी के वेट से ज़्यादा हो, वरना मेरी बोरी फट सकती है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मैं लास्ट में आइटम्स उठाऊँ उनकी जो वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो जाए। सो इसमें हमें एक चीज़ नोट करनी है कि वी ईदर हैव टू पिक फुल आइटम और नो आइटम। बेसिकली इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है 01, यानी 0 मतलब मैं या तो ना लूँ 1 या फिर मैं पूरी लूँ, ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते हम। तो एग्जांपल ले लेते हैं किसका, कि वैल्यू और वेट है हमारा, पहले का 60 वैल्यू है, उसका वेट 15 है, फिर 100 और 30 है, फिर 15 उसका 150 उसकी वैल्यू है और वेट है उसका 40, और बोरी का वेट हमें 50 गिवन है। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट वी कैन स्टील आर 15, 30। ये जो दो वेट वाली वैल्यू है ये मैं ले सकता हूँ, क्योंकि इसका टोटल है 45 जो कि 50 से कम है, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 160, राइट। और या फिर मैं खाली 40 वेट वाला ले लूँ, क्योंकि उसका भी वेट 50 से कम है, मैं और कोई नहीं उठा सकता वरना मेरी बोरी फट जाएगी, इसकी वैल्यू है 150, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई 160 वाला मेरा आंसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है और ये मैं ले भी सकता हूँ। सो वही वाली बात, हमें इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी कैनॉट अप्लाई ग्रीडी टेक्निक हेयर। क्यों? क्योंकि आइटम्स आर इंडिविजिबल, वो तो हमें पता ही है, इंडिविजुअल आइटम है तो हम ग्रीडी नहीं लगा सकते। इसमें हमारी वे ऑफ थिंकिंग क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि वी आइट्रेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन आइटम्स एरे, ठीक है। ये तो बेसिक बात है कि हमें आइटम्स एरे में एक बार आइट्रेट करना पड़ेगा, और हर किसी आइटम के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या दो चॉइसेस क्या हैं, कि या तो मैं उसे लूँ टेक इट, और अगर मैंने उसे लिया तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ मेरी नैपसैक डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने उसे बोरी में डाल लिया, या फिर मैं नहीं लेता नॉट टेक इट, सो उसकी कैपेसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। सो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, लेट एफ एन कॉमा डब्ल्यू डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आइटम्स दैट वी कैन पिक टिल आइटम एन एंड करंट कैपेसिटी ऑफ नैपसैक डब्ल्यू, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं nth आइटम तक मैं क्या मैक्सिमम वैल्यू की आइटम्स पिक कर सकता हूँ जब मेरा वेट डब्ल्यू हो, ठीक है। सो मैं क्लियरली रेफरेंस लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है कि मैं ना लूँ, ठीक है, तो आइटम तो मेरी कम होगी क्योंकि मैं अगली पे जाने वाला हूँ, और नहीं लिया तो वेट सेम रहेगा। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन ये है कि मैंने उसे ले लिया, तो एफ ऑफ एन माइनस वन कॉमा डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ एन, क्योंकि मैंने उसे ले लिया तो बोरी की कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन जो मेरी फाइनल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसे ले लिया तो उसकी ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ एन। सिंस वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ रेकरेंस रिलेशन, देयरफॉर इट फॉलोज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। हमें पता है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का बोलते हैं, जब हम किसी भी प्रॉब्लम की रेकरेंस रिलेशन लिख पाते हैं। सो लेट अस चेक इफ इट फॉलोज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है। सो उसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेट मैंने ले लिया 111 और उनकी वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग है 5, 10 और 20, और इस बार मेरी बोरी का वेट है 2 kgs। सो जो मेरा रिकर्शन ट्री बनेगा, क्योंकि मेरे को चेक करना है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो रिकर्शन ट्री बनाना ही पड़ेगा, वो ये बनेगा कि एफ ऑफ 3.2, इनिशियली 3 आइटम है और मेरी बोरी का वेट है 2, ठीक है। तो एफ ऑफ 3.2 अगर मैंने लिया तो एफ ऑफ 2.1 में जाएगा, अगर मैंने नहीं लिया तो एफ ऑफ 2.2 में जाएगा क्योंकि बोरी का वेट सेम रहेगा। फिर मैं एफ ऑफ 2.1 पे जाऊंगा तो मैंने अगर लिया तो एफ ऑफ 1.0 में चला जाएगा, अगर मैंने नहीं लिया तो एफ ऑफ 1.1 में चला जाएगा। सेम अगर मेरी स्टेट है एफ ऑफ 2.2, उसमें अगर मैं लेता हूं तो मैं एफ ऑफ 1.1 में चला जाऊंगा, अगर मैं नहीं लेता तो एफ ऑफ 1.2 में चला जाऊंगा। इसमें गौर से देखिए, मेरी जो एफ ऑफ 1.1 है ये स्टेट दो बार कंप्यूट हो रही है। सो सिंस एफ ऑफ 1.1 रिपीट्स, इट फॉलोज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी ऑल्सो, ठीक है। सो अब हमने कह दिया कि भाई दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है, हेंस इट कैन बी सॉल्व यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो उससे पहले हम एक इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, वो क्या होगी, बहुत ही आसान है कि मेक ऑल द सबसीक्वेंसेस एंड पिक द वन विद मैक्सिमम वैल्यू विच फिट्स द कॉन्स्टेंट ऑफ नैपसैक। कॉन्स्टेंट ऑफ नैपसैक क्या है कि भाई बोरी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए मेरी टोटल आइटम्स का, ठीक है, वरना मेरी बोरी फट जाएगी। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो सारी सबसीक्वेंसेस बनाने की जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है 2 की पावर n, क्योंकि मैं हर किसी आइटम को चॉइस दे सकता हूँ लूँ या ना लूँ, ठीक है। अब इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाते हैं, वो होगा यूजिंग डीपी। तो अप्रोच वन क्या है कि जो मेरा बेसिक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था उसी में मेमोइजेशन कर दूं, तो राइट द रिकर्सिव सॉल्यूशन एंड देन मेमोइज इट। मेमोइज करने का क्या मतलब होता है कि जो स्टेट मैंने प्रीवियसली कंप्यूट करी है उसको मैं फिर से नहीं करूंगा। तो वो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि जब मैं किसी भी स्टेट पे जाता हूं तो मैं एक लुकअप टेबल रख लेता हूं। उसमें लुकअप टेबल में ये होता है कि अगर मैंने पहले से कंप्यूट कर रखी है तो मैं डायरेक्टली उसे उठा लूंगा, अगर मैंने कंप्यूट नहीं करी तो उसे कंप्यूट कर लेते हैं। दूसरी अप्रोच ये है यूजिंग टैबुलेशन। टैबुलेशन मतलब है बॉटम ऑफ बिल्डिंग, बेस से बिल्ड करना। सो फॉर एवरी आइटम कंप्यूट द आंसर फॉर एवरी वेट फ्रॉम 0 to W। 0 से W के लिए सारा मैं
आंसर कंप्यूट कर लूंगा फॉर ईच एंड एवरी आइटम, और जब मैं कर रहा हूँ तो उसमें मैं कौन सी रेकरेंस यूज करूंगा, तो यूज द रेकरेंस ऑफ टेकिंग एंड नॉट टेकिंग, ठीक है। तो डी पी ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू मेरी बन जाएगी मैक्स ऑफ डी पी एन माइनस वन कॉमा डब्ल्यू जब मैंने नहीं लिया, और जब मैंने लिया तो डी पी ऑफ एन माइनस वन वेट माइनस वेट ऑफ बोरी माइनस वेट ऑफ पिक्ड आइटम प्लस, क्योंकि मैंने उसे ले लिया है तो वैल्यू उसकी ऐड हो जाएगी। अब जब ये सब आ जाएगा तो आउटपुट दिया आंसर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है मेरी उसके लिए मैं जीरो से डब्ल्यू के लिए सारा वेट कर रहा हूँ, तो हर किसी आइटम के लिए मैं जीरो से डब्ल्यू आइटरेट मार रहा हूँ, तो एन आइटम्स है तो एन इंटू डब्ल्यू इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। सो आई बिलीव आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, सो लेट्स कोड इट गाइस। तो अब 01 नैपसैक को कोड करते हैं। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ आइटम्स ले लेंगे इंट एन सीन एन, और फिर इसमें अब दो जो हमें वैल्यू और वेट की लिस्ट चाहिए वो हम ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं। सो इंट वैल्यू एन एंड वेट एन, अब हम इसमें एक एक करके वैल्यू और वेट ले लेंगे। सो सबसे पहले हम वेट ले लेते हैं रेप आई जीरो एन। सो रेप क्या है मेरा, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, जो कि हमने मैक्रो में डिफाइन कर रखा है। सीन वेट आई वैल्यूज ले लेते हैं जो है मेरे अलग अलग आइटम्स की, सीन वैल आए, देन हम सिंपली अब मेरे को सबसे पहले नैपसैक का वेट क्या है वो भी लेना पड़ेगा सीन डब्ल्यू, देन हम क्या करेंगे सी आउट कर देंगे, एक हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे और उसमें अपनी जो हमने कंडीशंस डिस्कस करी है वो डाल देंगे, और रिकर्सिव फंक्शन बनाने के बाद उसको हम मेमोइज कर देंगे। सो उसका नाम हम रखते हैं रिकर्सिव फंक्शन का नैपसैक, और उसमें हम एन और डब्ल्यू पास कर देंगे अपना, फिर फंक्शन बना लेते हैं, उसका रिटर्न टाइप होगा इंट नैपसैक इंट एन एंड इंट डब्ल्यू। इसमें अगर मेरा डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है तो मेरे को पता है कि मैं और आइटम ले नहीं सकता, सो रिटर्न जीरो इफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मेरे पे और कोई चारा ही नहीं है। और अगर मेरा n ही खत्म हो गया, समझ लो नंबर ऑफ आइटम्स ही नहीं है, तो भी मैं कुछ नहीं ले सकता। सो इफ n इज लेस देन इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो। एक और केस है कि अगर मेरा करंट जो आइटम है उसका वेट ज़्यादा है मेरी बोरी के वेट से, तब तो मैं उसे ले ही नहीं सकता, तो पहले वाली कॉल जाएगी सिंपल की विदाउट कंसिडरिंग दैट आइटम। सो इफ वेट ऑफ करंट आइटम इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बोरी का वेट, सो रिटर्न नैपसैक ऑफ एन माइनस वन डब्ल्यू विदाउट कंसिडरिंग। और अगर ऐसा नहीं है तो इन दो केसेस का जब मैं लूँ और जब मैं ना लूँ उसका मैक्सिमम रिटर्न हो जाए, सो रिटर्न मैक्स ऑफ नैपसैक एन एन माइनस वन कॉमा डब्ल्यू जब मैंने नहीं लिया, और किस केस का जब मैंने ले लिया एन माइनस वन कॉमा डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ दैट आइटम। अब क्योंकि हमने उसे ले लिया तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, सो वैल्यू एन माइनस वन। तो इसको अपने टेस्ट केस पे रन करके देखते हैं। सो हमारा टेस्ट केस था, तीन मेरी आइटम थी, उनके वेट्स थे 15, 30 और 45, और उनकी वैल्यूज थी 60, 100 और 150, राइट। तो इसको रन करके देखते हैं। सो अभी ज़ीरो आ रहा है, देखते हैं क्यों आ रहा है। ये हमने कुछ तो गड़बड़ की है, इंट एन, फिर हमने वेट ले लिया, फिर हमने वैल्यू भी ले ली, डब्ल्यू भी ले लिया बोरी का साइज, देन नैपसैक ऑफ एन कॉमा डब्ल्यू, सही है। यहाँ पे वाई इज इट कमिंग ज़ीरो, सो डब्ल्यू मेरा कितना हमने लिया है, अच्छा डब्ल्यू हमने इनपुट ही नहीं दिया, सो डब्ल्यू देना पड़ेगा गाइस। सो हमारा वेट ऑफ नैपसैक था 50। सो अब इसको रन करते हैं। सो जैसे हम देख सकते हैं हमारा आंसर 160 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सो अब इसको मेमोइज करेंगे, क्योंकि ये बड़े इनपुट के लिए काम नहीं करेगा, सो अब इसको हम मेमोइज कर देंगे। सो मेमोइज करने के लिए हम एक लुकअप टेबल बनाएंगे, और लुकअप टेबल का साइज़ क्या होगा, सो उसमें हमारे दो स्टेट्स होंगे एन और डब्ल्यू, क्योंकि वही चेंज हो रहे हैं, तो इंट डी पी एन एन, और फिर
फिर हम अपनी डीपी को इनिशियलाइज कर लेंगे माइनस वन से। सो रेप आई जीरो कैपिटल एन एंड रेप जे जीरो एन डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस वन। एंड उसके बाद ये हो गया, तो अब हम अपने रिकर्सिव फंक्शन में मेमोइजेशन लगा देंगे। तो कोई भी आंसर या कोई भी स्टेट कंप्यूट करने से पहले हम चेक करेंगे इफ dp nw पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो सिंपली रिटर्न कर दो, या फिर हाँ यस रिटर्न कर दो dp nw। और अगर हमने उसे कंप्यूट नहीं कर रखा तो पहले कंप्यूट करेंगे, तो उसके लिए ये जो हम रिटर्न करा रहे हैं ये हमारी dp में स्टोर होना चाहिए। सो dp ऑफ nw dp ऑफ nw इज इक्वल्स टू दिस केस, वरना मेरे dp nw में स्टोर करा दो ये वाला पार्ट, और लास्ट में मैं dp nw रिटर्न कर दूंगा। राइट, सो उसको सेव करते हैं, लेट्स रन इट गाइस। तो जैसे एक सेकेंड, ये गलत आ रहा है, इसमें हमने कुछ गड़बड़ की है, ज़्यादा है, तो इस बार हमें else डालना पड़ेगा क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो रिटर्न नहीं हो रहा तो वो नेक्स्ट लाइन भी उसको चेक कर लेगा। सो रन करके देखते हैं इसे, तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सो ये थी इसकी मेमोइजेशन अप्रोच, इसको भी हटा देते हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं इसका आंसर भी 160 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी नैपसैक की थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें, लेट्स मेक इट 55, तो मेरा 30 और नहीं 60 कर देते हैं इसे, तो 45 और 15 की बोरी उड़ जानी चाहिए। सो मेरा आंसर सही आ रहा है 210। सो आई बिलीव आपको क्वेश्चन 01 नैपसैक अच्छे से समझ में आ गया, इसका कोड भी समझ में आ गया। सो ऐसे कोडिंग करते रहिए, अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।